हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। और आज के इस वीडियो में एक बहुत ही अच्छी खबर देने वाला हूँ। फाइनली काफ़ी दिनों के बाद, यानी कि जब से देखा जाए, मैंने जब से अन अकेडमी पर प्लस क्लासेस लेना शुरू किया है तब से लेकर आज तक ही इतनी अच्छी खबर पहली बार आई है। और वो ये है कि CGL 2018 का फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है। तो अगर आप लोगों ने CGL 2018 को पेपर दिया था और आप लोगों का सिलेक्शन हुआ है तो मुझे ज़रूर बताइए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है आपका 8299 8299 11 7042, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल का लिंक कमेंट सेक्शन में है, आप वहां से जाके भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, देखिए जो आपकी हम बात कर लेते हैं कट ऑफ परसेंटेज की, तो देखो ये आपका DEST यानी कि टाइपिंग के लिए CPT के लिए कट ऑफ होता है, वो आप यहाँ देख सकते हैं। और बाकी कट ऑफ्स आप इसमें देख सकते हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने रिजल्ट अगर नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए। और मैं आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पर वैकेंसी वाइज कट ऑफ बता देता हूँ, कितनी कितनी कट ऑफ गई है। तो देखिए डबल एओ की जो कट ऑफ है वो जनरल की कट ऑफ गई है, डबल एओ की टोटल मार्क्स की कट ऑफ गई है 691, डबल एओ की फाइनल कट ऑफ जनरल की गई है 691, एंड मेरी स्टूडेंट भाव्या मोहन शी हैज बीन सेलेक्टेड एज एन डबल एओ। ठीक है, इसके अलावा जो आपकी JSO की कट ऑफ गई है, देखिएंगे JSO की जो कट ऑफ है वो UR की गई है 626, ये आपकी जाती है 200 प्लस 200 प्लस, यानी कि इसमें क्या होता है पेपर 4 पेपर 3 जुड़ा होता है तो इसकी कट ऑफ थोड़ी सी ज़्यादा जाती है। ठीक, इसके अलावा अब बात करेंगे अदर देन डबल ए ओ की कट ऑफ कितनी गई है, तो उसको जरा देखें। तो B003 यानी कि ये हो जाता है आपका DOPT में CSS की कट ऑफ, ये जो B003 है ये आपका DOPT में CSS यानी CSS में डबल ए ओ की जो कट ऑफ सॉरी डबल ASO की जो कट ऑफ है वो UR की गई है आपकी 588, यानी कि 588 मार्क्स तक जो है आपका फाइनल सिलेक्शन हुआ है CSS की पोस्ट के लिए। इसके बाद में UR की जो आपकी B04 यानी कि ये हो जाता है आपका B04 IB में, ये हो जाता है IB में डबल ए ओ की कट ऑफ, तो IB में जो डबल ए ओ की कट ऑफ गई है वो गई है 596। ठीक है, IB में जो डबल ए ओ की UR की कट ऑफ गई है वो गई है आपकी 596। इसके बाद B05 जो कोड हो जाता है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे में जो डबल एओ की कट ऑफ गई है वो गई है ASO की कट ऑफ गई, मैं बार बार डबल एओ बोल देता हूँ सॉरी, इसकी जो कट ऑफ गई है वो गई है 605। ठीक है, तो 605 आप ये कट ऑफ देख सकते हैं रेलवे के लिए। ठीक, इसके बाद B06 हो जाता है आपका MEA, तो MEA की कट ऑफ जो गई है वो गई है आपकी 632, MEA की जो कट ऑफ गई है वो 632 गई है। अभी तक जो हमने जितनी कट ऑफ देखी है उसमें से सबसे ज़्यादा कट ऑफ MEA की गई है UR की 632। ठीक है, इसके बाद B07 जो हो जाता है, B07 है आपका AFHQ में ASO की पोस्ट, ये हो जाता है AFHQ में ASO की पोस्ट के लिए, तो इसकी कट ऑफ गई है आपकी 587 तक मिला है। इसके बाद B08 जो है आपका, इसमें UR की कट ऑफ गई है 608, और ये आपकी पोस्ट हो जाती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया NIC और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन में ASO की असिस्टेंट की पोस्ट होती है, ये भी 4600 ग्रेड पे की पोस्ट है, तो काइंड ऑफ ASO ही होता है ये। इसके बाद जो आपकी UR की अगली कट ऑफ है B10 जो है आपकी, ये भी उसी में पोस्ट आता है, इसकी कट ऑफ गई है 594, ये भी ASO ही समझ लीजिए, NIC इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और एक और डिपार्टमेंट में है। इसके अलावा B11 जो होता है आपका, B11 आपका CVC में होता है, इसकी कट ऑफ काफ़ी हाई जाती है, CVC काफ़ी अच्छी पोस्ट होती है ASO की, 596 गई है। ठीक है, इसके बाद आप लोगों की जो सबसे ज़्यादा इंतज़ार होगा, इसके बाद बात करें B12 B13, ये जो हैं आपके ये सारे के सारे ASO की हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में असिस्टेंट्स की पोस्ट हैं, ये भी आप देख सकते हैं। और इसके बाद हम बात करें आपकी B21 जो है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ माइंस में है, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस में ASO की पोस्ट है, तो इसकी कट ऑफ गई है 580। अब इसके अगली बात करते हैं जिसके लिए आपको सबसे ज़्यादा इंतज़ार होगा, B22 हो जाता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस में इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, यानी ITI की जो कट ऑफ गई है वो गई है 606, यानी कि 606 मार्क्स पे ITI मिला है इस बार। ठीक है, Tier 3 को इंक्लूड करके। ठीक है, इसके बाद आपका B23 जो हो जाता है आपका एक्साइज इंस्पेक्टर की पोस्ट हो जाती है, एक्साइज इंस्पेक्टर की जो कट ऑफ गई है वो गई है 579 तक एक्साइज की कट ऑफ गई है, एक्साइज इंस्पेक्टर की जो पोस्ट है उसकी कट ऑफ गई है 579। इसके बाद B24 जो हो जाता है आपका
एक पीओ यानी प्रिवेंटिव ऑफिसर की पोस्ट, प्रिवेंटिव ऑफिसर की पोस्ट जो हो जाती है ये थोड़ी अच्छी पोस्ट होती है, इसकी कट ऑफ गई है 583। इसके बाद आपकी B25 जो हो जाता है, B25 हो जाता है आपका एग्जामिनर की पोस्ट, इसकी कट ऑफ हाई जानी चाहिए थी बट उतनी कटाई नहीं गई है जितनी ITI की गई है, इसकी कट ऑफ गई है 592, ये आपकी एग्जामिनर की पोस्ट के लिए है। इसके बाद B26 जो है आपका ये UR का हो जाता है, B26 जो है आपकी ये है एनफोर्समेंट डायरेक्टर यानी ASO in ED एनफोर्समेंट डायरेक्टर, जिसको आपने सुना होगा अक्सर रेड वगैरह किया करते हैं जब कोई मनी लॉन्ड्रिंग का केस होता है, तो इसकी कट ऑफ गई है 612, ठीक है 612। इसके बाद B27 जो है आपका CBI में इंस्पेक्टर की पोस्ट है, ये गई है 608, काफ़ी हाई चली गई है उस हिसाब से, और इसके बाद में क्योंकि वैकेंसी शायद कम है। इसके बाद आपकी B28 हो जाता है आपका डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के लिए इंस्पेक्टर पोस्ट, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इसकी कम गई है, 579 कट ऑफ गई है, एक्साइज इंस्पेक्टर के बराबर गई है। इसके बाद B29 है आपका कंट्रोलर जनरल ऑफ अथॉरिटी डिवीजनल DA की पोस्ट, इसकी कट ऑफ देखते हैं कितनी गई है, इसकी कट ऑफ गई है 583, अच्छी पोस्ट होती है काफ़ी ज़्यादा, ये 583 कट ऑफ गई है DA के लिए। इसके अलावा आपकी अगला जो है आपका D33, तो D33 जो है आपका ये पोस्ट हो जाती है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, तो इसकी कट ऑफ आई थिंक कम गई होगी UR में काफ़ी, 577 गई है आपकी D33, लेट मी चेक इट इज राइट और रॉन्ग, D33 मैं थोड़ा गलत बता रहा हूँ, ये आपका है कंट्रोल ऑडिटर की पोस्ट है, कंट्रोलर जनरल में ऑडिटर की पोस्ट है आपकी, ऑडिटर की पोस्ट के लिए कट ऑफ गई है 577, ये CGA में ऑडिटर की पोस्ट के लिए गई है, ठीक है कैग में ऑडिटर की पोस्ट के लिए गई है 577 कट ऑफ। इसके बाद आपका B31 छूट गया, B31 जो है ये भी जनरल की कट ऑफ है, B31 के लिए जो कट ऑफ गई है वो आपकी गई है, B31 है आपका NIA में सब इंस्पेक्टर की पोस्ट होती है, इसकी भी एक्साइज इंस्पेक्टर के बराबर गई है, 579 कट ऑफ है। इसके बाद में आपका D34 है आपका CGDA में जो आपकी कट ऑफ गई है वो गई है आपकी 551, यानी CGDA में ऑडिटर की पोस्ट के लिए जो आपकी कट ऑफ गई है वो गई है आपकी 551, तो आप CGDA में अगर आप ऑडिटर के रूप में सेलेक्ट होंगे तो 551 तक कट ऑफ गई है। इसके बाद जो अगली कट ऑफ है D35 आपकी जो पोस्ट हो जाती है ये है नेशनल टेक्निकल रिसर्च सेंटर में ऑर्गेनाइजेशन में, ये भी आपकी ऑडिटर की पोस्ट है, इसकी कट ऑफ गई है 576। इसके अलावा जो UR की कट ऑफ है वो है D37 आपका हो जाता है अकाउंटेंट की, जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए है आपका, जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट, इसकी कट ऑफ गई है 564, ठीक है 564 कट ऑफ है UR की। इसके बाद D38 होता है आपका, D38 भी वो अकाउंटेंट वाली ही पोस्ट है, इसकी कट ऑफ है आपकी D38 आपका अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए ही है, इसकी कट ऑफ 550 गई है। एंड आफ्टर दैट आपका हो जाता है आपका UR का D39 भी अकाउंटेंट की पोस्ट के, ये D39 जो है आपका सीनियर सेक्रेटरीट में, ये हो जाता है UDC समझ लीजिए इसे, UDC की पोस्ट के लिए जो कट ऑफ गई है वो गई है 548, ठीक है UDC की कट ऑफ के लिए 548 गई है। और D40 जो है आपका, D40 भी उसी के लिए आता है UDC, इसकी कट ऑफ 561 है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में है एक्चुअली D39 D40, तो वो आप जब वैकेंसी वाली लिस्ट देखेंगे तो उससे पता, मैं भी उसी से देख के बता रहा हूँ आपको। इसके अलावा D42 है वो UR की कट ऑफ की जो गई है, D50 वो गई है आपकी 542 आपकी ये भी ऑडिटर की पोस्ट के लिए है 550। और इसके अलावा जो है आपका D43 और D44 ये भी आपका ऑडिटर की पोस्ट के लिए ही हैं, ये सारी अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए हैं सारे के सारे आपके, तो इनकी 480 कट ऑफ भी 554 कट ऑफ गई है। इसके बाद में आता है आपका D44 भी सेम है जूनियर अकाउंटेंट, एंड आपका अगर आप उसको डिवीजन देखेंगे तो आपको समझ में आएगा D44 जो है ये आपका UDC के लिए ही हैं सारी, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में UDC के लिए पोस्ट हैं, ठीक है। इसके बाद में आता है आपका D45 हो जाता है, ये सारे के सारे UDC की पोस्ट के लिए हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में, इसकी 564 चली गई है। इसके बाद D46 है ये भी UDC के लिए है, 547 गई है। इसके बाद D50 है ये भी आपकी UDC की पोस्ट के लिए है, नेशनल कंट्रोल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में 558 है। इसके बाद आपका होता है आपका D51 जो है आपका, D51 पोस्ट कौन सी है, लेट मी चेक इट इन द वैकेंसी लिस्ट,
D51 जो है आपका सीबीडीटी, सीबीडीटी में D51 सीबीडीटी में आपकी टैक्स असिस्टेंट की पोस्ट की आपकी जो कट ऑफ है वो 560 गई है, यानी कि टैक्स असिस्टेंट इन सीबीडीटी की जो कट ऑफ है वो आपकी जो टैक्स जो ऑडिटर है सीजीडीए में उससे ज़्यादा कट ऑफ चली गई है, आप ये बात देख सकते हैं, जबकि इसका ग्रेड पे उससे कम है, ठीक है। इसके अलावा आपकी जो यूआर D54 है, D54 हो जाता है आपका बॉर्डर जनरल बॉर्डर रोड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो D52 की देख लेते हैं, ये आपका सीबीआईसी में जो आपकी टीए की कट ऑफ है, ये भी आपका टीए है सीबीआईसी, यानी कि एक्साइज एंड कस्टम वाले में जो आपकी कट ऑफ है वो है 547, और ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन इस काफ़ी ख़राब रहता है, इसकी जो कट ऑफ है वो 546 गई है। तो मैंने आपको सारी पोस्ट वाइज कट ऑफ आपको बता दी है, इस वीडियो को समझ के आप लोगों को कट ऑफ समझ में आ गई होगी, और बाकी लोगों ने जो लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं आगे सीजीएल 2020 की, वो लोग समझ लें कि कितनी उन्हें तैयारी करनी है और किस पोस्ट पर उन्हें कौन सी रैंक को पोस्ट मिल सकती है किस रैंक पर, ठीक है। जो टोटल वैकेंसीज थी वो कुछ 11,000 के आसपास हैं, और 11,000 के आसपास की पोस्ट में ये कट ऑफ गई है, मैंने सारी कट ऑफ्स आपको बता दी हैं, आप लोग इसको देखकर अपनी लिस्ट बना सकते हैं, अपनी आगे की तैयारी कर सकते हैं। जिनका रिजल्ट आ गया है वो लोग मुझे जरूर इन्फॉर्म करें, व्हाट्सएप नंबर 8299117042 है, और टेलीग्राम चैनल का लिंक कॉमेंट सेक्शन में पिंड है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे, थैंक यू सो मच, बाय बाय।